करण की योजना, सेना के एकीकरण की योजना, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना। परिवार नाते रिश्तेदारों को एक शिकायत जनरल बिपिन रावत से लगातार रही, क्योंकि वो जब सेना प्रमुख बनने के बाद या उससे पहले भी, चाहे वो सदन आर्मी कमांडर रहे हों, वाइस चीफ रहे हों, उन्होंने परिवार और रिश्तेदारों को वक्त नहीं दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि परिवार रिश्तेदारी के प्रति असंवेदनशील थे। वो लगातार कहते थे कि मैं देश के मिशन पर हूँ, लेकिन जब इस मिशन से फ्री होंगे तो सबके वक्त दूंगा। बिपिन रावत सेना को शीर्ष पर पहुंचाने वाली तमाम योजनाओं के अग्रदूत थे। उन पर भारतीय सेना को उस कतार में ला खड़ा करने का जिम्मा था जहां दुनिया की तमाम आधुनिक सेनाओं से फासला बेहद कम रह जाता। बस यूं समझ लीजिए कि बिपिन रावत भारतीय सेना की काया पलट करने वाले प्लान के सबसे बड़े कर्ता धर्ता थे। इसलिए तमाम विवादों के बीच पीएम मोदी ने उन्हें सीडीएस पद पर बिठाया, क्योंकि उनकी सैन्य समझ और दृष्टि पर पीएम मोदी को पूरा विश्वास था। जिस तरह से पिछली लड़ाई लड़ी थी, अगर हम उसी विचार से सोचेंगे कि अगले आने वाली लड़ाई भी हम जैसे हमने पिछली लड़ाई लड़ी थी उस तरीके से लड़ेंगे तो हम कभी सफल नहीं होंगे। हमें किस तरह से आने वाली लड़ाई का सामना करना है उस पर लगातार विचार विमर्श करना है, और इसके लिए बदलाव जरूरी है। बदलाव का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में तीन तीन चार चार साल चलने वाली वर्ल्ड वॉर नहीं होंगी। लड़ाई जो होगी, आपको समय जीत हासिल करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर, यूएन एजेंसीज आपके ऊपर दबाव डालेंगी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपको न्यूक्लियर से थ्रेटन करना शुरू कर देंगे कि भाई हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इसलिए आपको जो अपनी विजय है वो कम समय में हासिल करनी है, और कम समय में हासिल करने के पास आपकी सैनिक टुकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो जैसे ही युद्ध की घोषणा होती है जल्दी से जल्दी दुश्मन के ऊपर हावी हो जाए और कुछ समय में, जल्दी समय में विजय प्राप्त कर सके। तो इसके लिए ये बदलाव, IBGIzation, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन बहुत जरूरी होगी। बिपिन रावत का निधन देश के लिए बड़ा धक्का है। ये तय करना फिलहाल मुश्किल है कि बिपिन रावत के निधन से सेना को सशक्त बनाने की योजनाओं पर कितना असर पड़ता है, लेकिन इतना तय है कि उनकी कमी बेहद अखरने वाली है। उनका जाना बीच मझधार में नाव को छोड़ने जैसा है। बिपिन रावत क्यों और कितने अहम थे, ये आप अमेरिका से आए इन शोक संदेशों को देख कर समझ सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लिखा है, जनरल रावत एक असाधारण सेनापति थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने लिखा है, जनरल रावत अमिट छाप छोड़ गए। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने लिखा है, जनरल रावत भारत अमेरिका रिश्तों में मजबूती के सूत्रधार थे। बिपिन रावत ने कई ऐसे सुधारों की शुरुआत की जिनका असर गहरा होने वाला था। वो सेना में फिजूल खर्ची के खिलाफ थे। वो सैन्य अफसरों को बेजा सुविधाएं देने के पक्ष में नहीं थे। पूर्व सैन्य अधिकारियों की घरेलू सेवाओं में जवानों की तैनाती के भी वो खिलाफ रहे। अब जब जनरल रावत नहीं रहे तो इन सुधारों के भविष्य पर भी सवाल हैं। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, कुन्नूर आज तक। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।